देश में तमाम कोशिशों के बाद भी रैगिंग का पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया विश्वविद्यालय का है, जहां रैगिंग के आरोप में 6 छात्रों के खिलाफ रैगिंग का मामला दर्ज किया गया है। किस विश्वविद्यालय बीटेक कोर्स में पढ़ने वाले छात्र के परिजनों ने दर्ज कराया है। पीड़ित छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया है कि रैगिंग के नाम पर छात्र का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। पीड़ित छात्र के पिता रक्षा मंत्रालय दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर तैनात हैं। साथ ही रैगिंग के आरोपी छात्रों ने किसी को न बताने की धमकी भी दी। पीड़ित छात्रों ने अपने सातवीं जाति की बात परिजनों को बताई, जिसके बाद नॉलेज पार्क कोतवाली में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने ब्रज कस्तूब स्वर्णिम राघव कर्नल त्रिपाठी और मिस्टर मल्होत्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत के मुताबिक दिल्ली निवासी छात्र ने बीटेक कोर्स करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। वो नॉलेज पार्क में एक निजी हॉस्टल में रहता था। छात्र का कहना है कि हॉस्टल में ही उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, कल जो ये बच्चा है, ये यहाँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और उसका ये कहना है कि एक प्राइवेट हॉस्टल में जहाँ वो रहता था, उसके कुछ साथियों ने उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया, उसको फिजिकली असॉल्ट किया। पुलिस ने इसमें FIR पंजीकृत कर ली है और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था। इसमें कुछ जो लोग उसने जो जिनको बताया है, कुछ उसके साथ के हैं और उसमें एक उसका सीनियर भी है। तो अभी हम उसका पूरा वर्जन जो है वो थोड़ा सा देख रहे हैं। बच्चा भी अभी काफ़ी, उसकी जो मानसिक हालत है वो भी दुरुस्त नहीं है। हम लोग काउंसिल कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, और जो भी कार्रवाई है पुलिस प्रदेश कर बता जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ अग्नि नामक संस्था मोर्चा खोल दिया है। इस संस्था ने ललकार रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में अलग अलग समुदाय के लोगों, छात्रों और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ललकार रैली के तहत सबसे पहले यहां बाइक रैली निकाली गई और उसके बाद अलग अलग जगहों से आए लोगों, समुदाय और संगठनों ने नगर में रैली निकाली। इस संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि बस्तर की जनता अब नक्सलवाद के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है और नक्सलियों के लिए बस्तर में टिक पाना अब संभव नहीं है। नक्सलवाद के विषय में ये प्रचारित किया गया है, माओवादी हिंसा से उपार्जित धन से पोषित लोगों के द्वारा, कि बस्तर में जनता नक्सलवाद के खिलाफ है इसलिए नहीं बोलती है। और सलवा जुड़ू के बाद तो ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि कोई एक भी आदमी उस नक्सलवाद के खिलाफ बोलने में डरता था। समझ गया, नक्सली छद्म युद्ध लड़ते हैं, धोखे के लड़ाई लड़ते हैं, नक्सलियों के ऊपर विश्वास करना बेकार है। इतने साल के नक्सली राज में यहाँ विकास नहीं हुआ, शांति नहीं आया। और चलिए अब आपको बताते हैं बारिश ने किस तरह कुछ ही देर में पटना नगर निगम की पोल खोल दी। बारिश से पटना सिटी के कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें और गलियां पानी पानी हो गई। पटना सिटी के माल सलामी इलाके का हाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जलभराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों की माने तो नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जल निकासी पर नगर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।